शनाया फिल्म एक्टिंग मैं हमारे जो समीर भाई ने इतना प्यारा ये कार्यक्रम अटेंड किया, इस कार्यक्रम को किया। सबसे पहले मैं समीर भाई को और माँ की जो दुलाई कहना चाहता हूँ कि दुनिया में हर घर में माँ की पूजा हो, ऐसा संकल्प उठाता हूँ मैं दुनिया की हर माँ के आगे अपना शीर्ष झुकाता हूँ। उसके बाद मैं अपनी दो लाइनें कहता हूँ। समीर भाई ने जो इतना प्यारा कार्यक्रम किया, ये फैशन शो जो आज इनका पहला फैशन शो है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पहला है, ऐसा लग रहा था ये 101वां शो है। और समीर भाई ने ये कार्यक्रम को बड़े खूबसूरत ढंग से इस कार्यक्रम को किया और माशाल्लाह आज ही इनका शो सुपर हिट रहा। इसी तरह से समीर भाई अपने शो को बॉम्बे में नहीं, देश में विदेश में पूरी दुनिया में इसी तरह से कार्यक्रम करते रहे और पूरे वर्ल्ड में अपना नाम करते रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत हीरोइन को आज इन्होंने लॉन्च भी किया है समीर भाई ने, और खुद भी लॉन्च हुए हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि समीर भाई आप इसी तरह से शो करते रहें और देश में विदेश में पूरे वर्ल्ड में इसी तरह से नाम करते रहें और इस तरह की खूबसूरत लड़कियां देहरादून से नहीं पूरे वर्ल्ड से ढूंढ ढूंढ के लाते रहें और बॉलीवुड को देते रहें। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे दोस्त शबाब आजमी जी का, जमील भाई का, इन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे गाने बनाए हैं और जमील भाई ने बहुत प्यारा गाना लिखा था जो अभी बाजार फिल्म में आप सबने देखा है। इन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, बस मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से इनके शो हिट होते रहें। क्या बोल रहे भैया, एक इन्होंने बड़ी प्यारी, हाँ अभी जो वीडियो लॉन्च की है तो वीडियो लॉन्च भी इन्होंने बहुत प्यारा गाना जिसमें ये खूबसूरत अभिनय किया दोनों ने, उसके लिए भी मैं जोरदार तालियां बजाता हूँ। और आप सबको प्यार और आशीर्वाद, खूब दुलार इसी तरह मिलता रहे और मैं आप सबको प्यार इसी तरह देता रहूँ। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस फैशन शो के बारे में? फर्स्ट टाइम था, किस तरह का रिस्पांस मिला यहाँ पर? एक्चुअली मुझे मैं एक चीज बोलूंगा तो ऐसा लगेगा आपको कि ये तो हर इंसान बोलता है यार। मतलब मैंने जितना सोचा था, मुझे बहुत, जैसे कि आप देखते हैं कि जब हम कुछ बड़ा करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती है, लाइक कि अगर आप प्रोड्यूसर हैं और साथ में अगर आप एक्टर भी हैं तो आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ज़्यादा आपको टेंशन हो जाती है, आपको कैसे काम होगा, कैसे इतने सारे लोगों को आप हैंडल करेंगे, कैसे क्या होगा। तो ये कोई फिल्म तो थी नहीं जिसका मैं प्रोड्यूसर था, ये एक मेरा शो था, लेकिन मेरी कंपनी का शो था, मेरा इवेंट था, तो अकेला मुझे हैंडल करना पड़ रहा था इतनी सारी टीम को, इतने सारे लोगों को। किड्स मॉडल भी थे, मेल मॉडल भी थे, फीमेल मॉडल थे, एडल्ट मॉडल थे, फिर ऊपर से मेरा कास्ट करूँ, जो मेरा अभी नेक्स्ट मंथ जो गाना रिलीज़ हो रहा है उसकी भी लॉन्चिंग पार्टी मैंने इसमें साथ में रखी हुई थी, तो उनकी भी, वो भी सारा क्रू आया हुआ था। उनके अलावा जो पेरेंट्स थे, मतलब ये 200-300 लोग जो आए हैं इधर, उन सबका मुझे शो होने से पहले ऐसा लग रहा था कि क्या करूँगा यार, कैसे होगा, क्या हो पाएगा, लेकिन मेरे अंदर एक हिम्मत थी और वो हिम्मत थी कि डिम्पल जो मेरी कोरियोग्राफर है, एक्चुअली मेरा जब गाना शूट हो रहा था तब भी उसने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी थी, और इस बार जब मैं शो कर रहा था तो मैंने डिम्पल को बोला कि डिम्पल हम कर पाएंगे, हो पाएगा। डिम्पल ने बोला सर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, ये हो पाएगा, हम कर पाएंगे। मैंने सुबह मॉर्निंग में भी डिम्पल को पूछा कि डिम्पल आज हमारा शो है, हो पाएगा, कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतना सारा क्रू, इतने सारे लोग, इतनी सारी ऑडियंस, ये सब आप लोग मीडिया, ये इतना सारा, इतना बड़ा इवेंट, मैं घबरा रहा था। लेकिन आई होप कि आप लोग सब देख ही रहे हैं और सब ने देखा है, सब ने अच्छे से इंजॉय भी किया और सब खुश भी हुए और सबको अच्छा लगा। कैसा लगा आप सबको? बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा, कम्प्लीटली बहुत अच्छे तरीके से हो पाया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हैप्पी हूँ मेरी म्यूज़िक लॉन्च के लिए, मेरे एल्बम के लिए, मेरे सॉन्ग के लिए, मेरे को एक्टर्स सौरभ, अंजलि, एलिना, आकांक्षा एंड कृष्णा, ये सब जो को एक्टर हैं उनके लिए मैं काफ़ी खुश भी हूँ, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया है और काफ़ी अच्छे से मेरे साथ काम किया है, नेक्स्ट भी हम लोग कुछ अच्छा करेंगे। मेरी कंपनी शिनाया फिल्म एंड एक्टिंग, शिनाया फिल्म एंड एक्टिंग, ये शिनाया एक मॉडलिंग एजेंसी है और मॉडलिंग एजेंसी में आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, मॉडलिंग एजेंसी एक शो करती है, एक कास्टिंग करती है, एक मॉडल को ब्रेक देती है, एक प्लेटफॉर्म होता है एक मॉडल के लिए। एक हम सोचते हैं कि हमें एक्टर बनना है या मॉडल बनना है तो हम किसी डायरेक्टर्स या डायरेक्ट हम किसी से नहीं मिल पाते हैं,
तो ना मिल पाने की वजह से हम एक प्लेटफॉर्म सर्च करते हैं, वो प्लेटफॉर्म होता है एक मॉडलिंग या कास्टिंग एजेंसी, जिससे हम जाते हैं, हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये मेरी एक मॉडलिंग एजेंसी है और फ्यूचर में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट 2-3 मंथ में मैं अपना एक एक्टिंग स्कूल, शिनाया एक्टिंग स्कूल भी डाल रहा हूँ, जिसमें मेरे जो टीचर्स होंगे, जो लोग होंगे जो टीचिंग करेंगे, जो एक्टिंग के बारे में आप लोगों को बताएंगे समझाएंगे, वो सब इंशाल्लाह FTI या NSD जो पास आउट है या जो पास कर चुके हैं, उन लोगों को मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो मेरे स्कूल में आके स्पीच दें, टीचिंग करें, लोगों को समझाएं, बताएं एक्टिंग के बारे में, सही और गलत क्या है वो सब समझाएं लोगों को आके। और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये जो मैंने बोला है या जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा लगा हो, अच्छा लगे, आई हो। म्यूजिक मैंने किया है, ये अपने हमारे जमील अहमद साहब हैं, बड़े अच्छे लिरिक्स राइटर हैं ये। और समीर भाई ने मुझे ऐसे ही फ़ोन किया था कि यार कुछ हम सोच रहे हैं कि कुछ एल्बम करना है मुझे ऐसा ऐसा, तो हम लोगों ने पहला एक मुखड़ा बनाया, फिर इनको सुनाया, उस पर काफ़ी मेहनत किया इन्होंने, स्टूडियोज वगैरह में गए, एक्चुअली मेहनत किया इन्होंने, बहुत अच्छा इनको नॉलेज भी है म्यूजिक का, ऐसा नहीं कुछ भी बना के दे दो और वो हो जाएगा, बहुत मेहनत किया इन्होंने, करवाया और अल्तमश से बाकी का बाद में गवाया, हम लोगों ने वीडियो बना के वो आप लोगों के सामने है जो भी है। जो म्यूजिक एल्बम है मुलाकात बाकी, सॉन्ग मोला मेरे मोला, ये गाना कंपोज किया था हम लोगों ने 6 महीने पहले, और 6 महीने पहले हम लोगों ने बना के वो सब करके, थोड़ा सा मेरा इनका कुछ शेड्यूल बिजी था, फिर मेरा कुछ शेड्यूल अलग था, वो करने के बाद हम लोग सेकंड गाना कुछ कर रहे थे, वो गाना है पंजाबी गाना था मेरा, जिसकी मैं प्लानिंग कर रहा था पहले मैं वो शूट करूँगा, और सारी प्लानिंग उस गाने के लिए हुई थी, लेकिन फाइनली ये बोले कि पहले हम लोग ये गाना करते हैं, क्योंकि जितने भी लोग वो ये गाना सुन रहे थे, इंशाल्लाह आप लोग भी सुनेंगे तो आप बोलेंगे कि हमारा फैसला अच्छा था कि पहले यही करना चाहिए था, तो फिर फाइनली हम लोगों ने ये गाना किया। और इस गाने की शूटिंग के लिए हम लोग दापोली गए, दापोली एक ऐसी लोकेशन है जो अभी तक इंडस्ट्री में, अपनी फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने शूट नहीं किया, वो पहली लोकेशन है जो हमने सर्च की है, और वो वीडियो में आपको दिखाई भी दे रही है और आप लोगों ने कवर भी किया, देखा भी है कि वो लोकेशन आपको कैसी लग रही है, क्या है, थोड़ी परेशानी पड़ी, मुश्किल है क्योंकि पहाड़ों के ऊपर जाना है, गर्मी में रहना है, कोई ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी वहाँ पे, होटल्स मतलब ज़्यादा दूर दूर हैं क्योंकि पहाड़ी एरिया है और आपको ट्रैवल अपनी चीज़ों में करना था, तो थोड़ी तकलीफ तो हुई थी, लेकिन अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो समीर के साथ काम करके लग ही नहीं रहा था कि मैं पहली बार काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगा काम करके। समीर से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मिले हुए, पर ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, कुछ भी काम होता है बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कुछ ऐसा लगता नहीं है कि हाँ समीर है मतलब बापरे, बहुत अच्छे से करते हैं। शूटिंग के टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन सब कर लिया मैनेज, ये ऑलराउंडर है ये सब संभाल लेता है, तो ये है मतलब कोई कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, एकदम छोड़ दो टेंशन, छोड़ दो इसके होते हुए किसी चीज की टेंशन नहीं। So his battle as an actor or as a producer? ये सब बेटर। मतलब कौन सा जॉब वो सबसे बेटर करते हैं? ये सब करता है, आप इसे किसी चीज में वो नहीं कर सकते कि ये क्या बेस्ट कर सकता है, ये सब कर सकता है। मैं जितना मैं जानी हूँ, मैं फैशन शो भी कर सकता हूँ, ये तो आज आप लोगों ने देख ही लिया। फैशन शो मैंने किया नहीं था, लेकिन फैशन शो भी कर सकता हूँ, आज फाइनली मैंने किया तो लगा कि अब कर सकता हूँ। ये मेरा एक छोटा सा था, अभी इंशाल्लाह मेरी तैयारी है इंडिया के अलग अलग शहरों में जाके मैं सर्च करूँ और वहाँ पे मैं अपने कुछ शोज करूँ। कुछ मुश्किल होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन जब करने जाओगे तो सब इंशाल्लाह आसान हो जाता है। इन्हें अभी फिल्म बाजार के लिए जो इनको नॉमिनेट किया गया था मिर्ची म्यूजिक अवार्ड के लिए, राहत फतेह अली साहब का गाना था, वो इन्होंने ही लिखा है, और वो गाना इन्होंने ही लिखा था उसका। ये मेरा जो गाना है मोला मेरे मोला, ये खूबसूरत लफ्जों के शब्दों के बादशाह हैं, ये लिख सकते हैं, इन्होंने लिखा है। बाजार का गाना भी आपने सुना होगा, और मेरा जो गाना है मोला मेरे मोला, वो भी बोल इन्हीं के हैं, इन्होंने ही लिखा है। और ये तो आप मिल ही चुके हैं मिस्टर शवाब आजमी, ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं। ये एक्चुअली इनकी एक मेरी एक थोड़ी सी स्टोरी है, वो शेयर करूँगा मैं।
मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में बहुत सारे एक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिक्स राइटर्स या जो भी लोग हैं, वो जो मेरे फ्रेंडली हैं या जिनको मैं जानता हूँ या जो लोग मेरा नाम सुन के आते हैं मुझसे मिलने के लिए, मैं उनसे मिलने जाता हूँ। ये बंदे के अंदर क्या है कि मुझे इसके अलावा काम अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे पता नहीं कि इन्होंने क्या है, लेकिन इनके अलावा मैं अगर किसी म्यूजिक, मैंने दो या तीन सॉन्ग किए इनके साथ, पहला सॉन्ग मेरा अभी रिलीज हो रहा है, दो सॉन्ग ऑलरेडी कंप्लीट है, एक पंजाबी सॉन्ग है, उसके बोल है लुक तेरा लगदा कमाल सोड़िए, उस पे किलर तेरी चाल सोड़िए, लग जाए ना नजर, बस यही है फिकर, बाकी सब तट क्लास है, पूरा गालेंगे आप एक्चुअली यही बताएंगे। दूसरा है कमीनी चीज, हाँ एक ये बताएंगे, जो सेकंड मेरा पंजाबी सॉन्ग है, जो रैप सॉन्ग है, हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ गोवा जाएंगे, उसको शूट करने की पूरी तैयारी हो चुकी है और वो हम लोग अभी जल्दी शूट करने वाले हैं, और ये बताएंगे उस गाने के बारे में, उसकी कहानी कैसे स्टार्ट हुई और क्या हुई, क्योंकि हम इनका जो प्रोग्रामर है वो एक्चुअली टैलेंटेड है, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि जब वो गाना बनाते हैं और मैं शबाब भाई से बात करता हूँ, जब मैं मिलता हूँ तो मैं शबाब भाई को बोलता हूँ कि शबाब भाई पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे नॉलेज तो है नहीं म्यूज़िक का बिल्कुल भी, मुझे जो भी नॉलेज है ऑडियंस के, आप अगर कोई चीज़ सुनते हैं आप फैसला कर लेते हो अच्छा है लगा, मुझे अगर मज़ा नहीं आता तो मैं बोलता हूँ अच्छा नहीं लग रहा शबाब भाई, तो ये अपने प्रोग्रामर को बोलते हैं भाई भाई अच्छा नहीं लग रहा चेंज कर दो, तो वो डिलीट मारता दूसरा करता, तो फाइनली एक टाइम ऐसा होता है कि वो क्लास बन के निकलता है वो चीज़, तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि वो लोग मुझे बर्दाश्त करते हैं, और इसलिए मुझे ये अच्छे लगते हैं, इनका काम अच्छा लगता है क्योंकि ये मुझे बर्दाश्त करते हैं, कोई और मुझे बर्दाश्त करेगा नहीं, वो एक बार गाना मुझे बना के देगा, दूसरी बात बोलेगा, तीसरी बार बोलेगा, बोले आप कहीं और कराओ मैं आपका गाना नहीं कर सकता, लेकिन ये 10 बार भी 20 बार भी मेरा काम करते हैं, और ये सुम खान, और मैंने इसमें इनकी सिस्टर का कैरेक्टर रोल किया है, और जो अपने ब्रदर से बहुत प्यार करती है और उसी की खुशी में खुश होती है एंड ऑल, सो जब आप देखेंगे तो पता चलेगा, थैंक यू सो मच। हाय, मेरा नाम ऐश्वर्या है, मैंने अलीना जो लीडर उनकी फ्रेंड का रोल लाइक प्ले किया है, तो आप प्लीज़ वीडियो देखें।